बस डोसे बहुत खाए होंगे, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे मशहूर डोसा आज आप खाने वाले हैं। गेट रेडी। कड़क डोसे का डिमांड आया है, सो ऑल सेट। वो बोलते ना, खुद कमाओ खुद खाओ, तो आज मैं खुद के लिए डोसा बना रहा हूँ बॉस। क्या है, अगर एक्टर को डोसा बनाना आता है तो उसको काम भी ज्यादा मिलता है, तो प्रोड्यूसर बोलता है यार खुद ही अपना डोसा बनाएगा खाएगा और प्रोडक्शन का बजट कम करेगा। तो इसलिए जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, खुद का डोसा बनाना सीख लो बॉस। हमारी प्लेट्स रेडी है, हमारी चटनी रेडी है। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी चटनी वटनी डाल लेते हैं। एक बार नारियल चटनी, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। एंड वी हैव दीज पाउडर ऑल्सो विच इज वेरी वेरी स्पेशल इन साउथ। पूरे सेट के ऊपर इस समय इसी की डिमांड चल रही है कि डोसा आज खाएं। कई बार मेरी शूटिंग नहीं होती, इसलिए मुझे बुला लेते कि बॉस डोसा बनाओगे तो आप ही बनाओगे, आज आपका शूटिंग नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप आगे डोसा बनाओ बॉस। लग तो ठीक ही रहा है खाने के लिए, आई होप कि अच्छा बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी हाइट बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त, लुकिंग नाइस है। एंड वी आर ऑल सेट फॉर द बेस्ट डोसा एवर। खुद कमाओ खुद खाओ। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन अपने घरों में भेजे गए हैं वो सुरक्षित पहुंच गए होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे श्रमिक भाई बहन जो अभी भी फंसे हुए हैं, हम उन्हें निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप हर रोज देश के विभिन्न कोनों से अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग इन्हें कुछ गलत गुमराह कर रहे हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परमिट के नाम पे हो या फिर किसी तरह की टिकट के नाम पे हो। सो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये मैसेज सबको दें कि हमारी जो सेवा है एकदम निःशुल्क है, किसी तरह की कोई भी पेमेंट कोई भी परमिट में किसी तरह का एक रुपया भी किसी से अगर कोई मांगता है तो तुरंत जो निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसमें उस नंबर को आप सूचित करें और हमें भी हमारी टीम को भी उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि हम उन बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा भी है और भी उनकी खोजबीन जारी है। तो आप किसी की बातों में ना आए और किसी को भी एक रुपया ना दें, और जो लोग मांग रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे श्रमिक भाई बहन बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, आप उनसे इस तरह पैसे ऐंठने की कोशिश ना करें, ये ह्यूमैनिटी के बहुत खिलाफ है। तो अगर आपने अगर ऐसा कुछ किया या करने की कोशिश करेंगे तो हम आप पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।